नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स का पूरा शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप दिल्ली कैपिटल्स को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 के 13वें सीजन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आईपीएल 2020 का ओपनिंग मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। सीजन के लीग मैच में 17 मई तक होंगे और फाइनल मैच 24 मई को खेला जाएगा। इस बार आईपीएल में सिर्फ रविवार के दिन ही 2 मैच खेले जाएंगे, जिसके वजह से लीग स्टेज 50 दिन तक चलेगा। आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मैच 30 मार्च को किंग्स इलेवन पंजाब के साथ खेलेगी। आईपीएल 2019 में मुंबई के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया था और तीसरे स्थान पर रहा था। दिल्ली ने इस बार अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं। ऑक्शन में जहां तक दिल्ली ने युवा खिलाड़ियों को शामिल किया है, तो वहीं नीलामी से पहले रिटेन रिलीज ट्रेड के दौरान रविचंद्रन अश्विन और अजिंक्य रहाणे जैसे अनुभवी खिलाड़ी को भी शामिल किया है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई है। टीम में नए बदलावों के साथ इस बार कोशिश खिताब जीतने की होगी। आइए जानते हैं कि कैसा है दिल्ली कैपिटल्स का पूरा शेड्यूल। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच किंग्स इलेवन पंजाब के सामने 30 मार्च को खेला जाएगा दिल्ली में। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स 3 अप्रैल को कोलकाता में खेला जाएगा। तीसरा मैच राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स 5 अप्रैल को गुवाहाटी में खेला जाएगा। चौथा मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 10 अप्रैल को दिल्ली में खेला जाएगा। पाँचवा मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स 13 अप्रैल को दिल्ली में खेला जाएगा। छठवां मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स 19 अप्रैल को दिल्ली में खेला जाएगा। सातवां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स 22 अप्रैल को बेंगलुरु में खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स 26 अप्रैल को हैदराबाद में 8वां मैच खेला जाएगा। नौवां मैच मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स 1 मई को मुंबई में खेला जाएगा। दसवां मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद 3 मई को दिल्ली में खेला जाएगा। 11वां मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में 6 मई को दिल्ली में खेला जाएगा। 12वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स 10 मई को चेन्नई में खेला जाएगा। 13वां मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स 13 मई को दिल्ली में खेला जाएगा। 14वां मैच किंग्स इलेवन पंजाब बनाम दिल्ली कैपिटल्स 16 मई को मोहाली के स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, अब दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम की बात करें तो शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, जेसन रॉय, ऋषभ पंत, एलेक्स कैरी, सिमरन हेटमायर, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, क्रिस वॉक, मार्कस टॉइनिस, ललित यादव, आर अश्विन, अमित मिश्रा, संदीप लामिछाने, कगिसो रबाड़ा, ईशान शर्मा, कीमो पॉल, आवेश खान, मोहित शर्मा और तुषार पांडे। दोस्तों, ये दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड होने वाला है आईपीएल 2020 के लिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।